हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट्स आती रहेंगी। वेट लॉस एंड क्लियर स्किन, ये दोनों चीज़ें ही आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हैं। उसके लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है वो है डिटॉक्स वाटर। बहुत सारे लोगों को डिटॉक्स वाटर नहीं बनाने आता। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं इसको घर में। आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप पर बहुत एक्स्ट्रा फैट पिघलना शुरू हो गया है, और इसके अलावा आपको आपकी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फर्क नज़र आने लगेगा। एक्नी का इशू है जिन लोगों को, और स्किन अनक्लियर स्किन है, थकी हुई स्किन है, टायर्डनेस फील होती है, डलनेस फील होती है, सब ख़त्म हो जाएगा। इससे आपके डाइजेशन का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा, और आपके जो फैट है वो पिघलना शुरू हो जाएगा, और जो आपको सोडा और जूसेस की क्रेविंग होती है वो भी दूर हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगी डिटॉक्स वाटर बनाने का तरीका। सबसे पहले आपने एक कुकम्बर लेना है, एक लेमन लेना है, और मिंट की बहुत सारी पत्तियाँ लेनी हैं। कुकम्बर जैसा कि आपकी स्किन को बहुत फ्रेश कर देता है, इसको आप एज अ रोज़ वाटर की तरह यूज़ करें, स्प्रे में डाल के यूज़ करें, बहुत अच्छा होता है। आपके जितने भी पोर्स ओपन होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और इसको डेली बेसिस में अगर आप खाने में यूज़ करते हैं फिर तो बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले आपने इसके स्लाइसेस काट लेने हैं। अगर आपने जग में इसे बनाना है तो आप इसके बड़े बड़े स्लाइसेस भी काट सकते हैं, और अगर आपको बॉटल में बनाना है तो आप बारीक, जैसे मैं स्लाइसेस काट रही हूँ, इतना काट सकते हैं। और अगर आपको कूलर में डालना है, कूलर में आपको ये सब बनाना है, तो उसके लिए आप बड़े स्लाइसेस काट सकते हैं। फिर आपने एक लेमन लेना है। मैंने यहाँ पर छोटा लेमन लिया क्योंकि मेरी बॉटल छोटी है। आप बड़ा लेमन भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक ही लेमन लेना है। और सबसे ज़रूरी बात, जिन लोगों को मैदे का इशू है वो प्लीज़ लेमन का इस्तेमाल इसमें ना करें। आपने मिंट की पत्तियाँ लेनी हैं, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इसकी स्टिक यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए फैट बनाता है। आप इसकी स्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। अगर जिन्होंने वेट बढ़ाना है वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वो इसकी स्टिक्स का कहवा बना के पी सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को वेट बढ़ाना है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। अब मैंने इसकी पत्तियाँ निकाल ली हैं। याद रहे कि आपने इसकी सिर्फ पत्तियाँ निकालनी हैं जी। अब मैं एक बॉटल में नॉर्मल वाटर लूँगी। आपको ठंडा पानी नहीं लेना, आपको नॉर्मल वाटर लेना है। फिर आपने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देनी हैं। आपने इसको पूरा दिन पीना है, और रात में मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप रात को ना पिएं। ये देखें, ये सारी मैंने डाल दिया है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपने इसको फ्रेश यूज़ करना है, और अगर आपका पानी ख़त्म हो जाता है तो आपने इसमें और पानी ऐड कर देना है। लेकिन अगर ये हर दिन आपने फ्रेश यूज़ करना। अब आप इसको शेक कर सकते हैं। शेक करने से क्या होगा, इसका सारा जूस बॉटल के अंदर, पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। आप घर में ज़रूर ट्राई करें, और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।